अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हैं हादी का न्यू व्लॉग लेके। सो आज जो है सरप्राइज समथिंग न्यू तो आज जो है हादी ने बनाया है, एक्चुअली हम इसको आदि बोलते हैं, है हादी ना बट हम इसको आदि बोलते हैं। आज आदि ने बनाया है क्या? मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, ये हादी ने अपने खुद अपने माइंड से इसको बनाया है। एक्चुअली हम लोग जो है बहुत देर से दिमाग खा रहा था, मैं बना रही हूँ पूरा। हम जो है काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और अनलिमिटेड बिजी थे, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो उसमें ये हुआ कि हादी, हम जब आदि को देखने के लिए रूम में गए तो आदि एक्चुअली पेंटिंग कर रहा था। तो हमने बोला आदि आप पेंटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ गंदी नहीं करना। हम लोग वापस आ गए, हमने उसको मतलब एक बेडशीट बिछा के उसको हमने बिठा दिया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम गए तो आदि ने एक व्यूज़ बनाए हुए थे और हम एक्चुअली बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि रियल्स ये आदि ने बनाए। अब आदि इसका बताएंगे कि ये है क्या चीज़। चलें आदि आप मुझे बताएं ये क्या है। ये क्या है? ये सायरन हेड जो है इसके ऊपर ये क्या आ रहा है ब्लू कलर का? बारिश आ रही है। सायरन हेड बारिश से डरता है? अच्छा, और ये सायरन हेड के हाथ में ये क्या है? ब्लैक कलर की खून है। ये खून है, अच्छा मतलब इसने किसी को खाया है। अच्छा ये क्या है? मैंने वीडियो पे देखा था एक सायरन हेड आया था। अच्छा आपने वीडियो देखी थी उसमें सायरन हेड आया था। अच्छा फिर क्या? एक बंदा गंजा है, गंजा। अच्छा वहाँ पर बाहर गया, वहाँ पर दीवार पे चुप के सायरन आ रहा था। अच्छा सामने आने लग गया ना, ये बांधने लग गया, दीवार पे खड़ा हो गया। अच्छा गाड़ी किसी हो गया ऐसे ऐसे हो गया, एक बंदा मर गया, बैठ गया। अच्छा तो दरअसल जो है ये सायरन हेड की कहानी है। इसने एक इतना बड़ा था उसमें सायरन हेड ऐसा होता है, तो इसने पता नहीं कैसे बना दिया एक स्ट्रेट लाइन। और ये पता नहीं सायरन एक्चुअली है क्या, मैंने देखा नहीं, बट मुझे पता चल गया कि लंबा सा कुछ होगा, ये उसके बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े पाँव होंगे। सो ये क्या है? ये पौधे हैं। ये भी आपने वीडियो से देखे थे। अच्छा जब आप ये बना रहे थे तब आपके पास वीडियो नहीं थी? अकेले बनाए। आपने विदाउट वीडियो से सब कुछ बनाया है खुद से? इसने 2, 3, 4, 5 भी लिखा है। सायरन हेड को काउंटिंग पसंद है? सायरन को नज़र नहीं आता काउंटिंग का। अच्छा सायरन को नज़र नहीं आ रहा इसलिए इसने रख दी, लिख लिया है कि सायरन हेड को नज़र नहीं आ रहा। धूप वाले को नज़र नहीं आता। अच्छा है, धूप वालों को नज़र आता है। सही। सन को भी एग्जैक्ट वही बनाया है जो बनाते हैं यार आपके भी ना, माशाल्लाह। पीनी वाइज की बातें हम करेंगे बाद में, अभी हम जो है अभी बातें करते हैं पीनी वाइज की। पीनी वाइज की वीडियो हम फिर अभी बनाएंगे ना। अरे पीनी वाइज की क्या बातें करनी है आपने? एक बच्चा बाहर खेल रहा है। अच्छा एक्चुअली मैं बता देती हूँ पीनी वाइज क्या है। पीनी वाइज जो है हम एक मूवी देख रहे थे, ठीक है तो उसमें जो है इसने एक एज़ अ जोकर, वो एक जोकर होता है और वो बच्चों को बोला डू यू कम प्ले विद मी प्लीज़ आई डोंट वांट टू बी अलोन, इस टाइप की ना डायलॉग होता है। तो उसमें जो है हादी ने उसको नाम कैच कर लिया और जो है पीनी वाइज, पता नहीं इसको कैसे पीनी वाइज, उसका नाम पीनी वाइज है। हाँ तो आप उसकी स्टोरी सुना एट की, क्या हुआ था उसमें? वो बच्चा खतरनाक जगह पे आ गया। अच्छा उसका घर आगे ही था। हाँ खतरनाक जगह पे आ गया। अच्छा उसमें नाम लिखा हुआ है पीनी वाइज फ्रॉम मना नो गेट। वाओ अच्छा बच्चा बोर्ड बाय द वे इसको इंग्लिश समझ में आती है, ये बहुत इंग्लिश बोलता रहता है घर में। हाँ ठीक है फिर उससे अंकित बोली बच्चा ऐसे कर क्या, फिर डायरेक्ट बैठ गया उसने बातें में वो बैलून भी देने लग गया था उसको। बैलून नहीं था उसके पास, बैलून अंदर। तो
उसके पास बैलून नहीं था? बैलून अपने अंदर घर में रखा हुआ था। अच्छा, घर में रखा हुआ था। वो बोल रहा था बच्चों को कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको बैलून दूंगा। वो बोट बोलेंगे, बोले बोट दूंगा, बोट चाहिए। अच्छा, याद आ गया मुझे, इसने वो बात तो कैच करके रखी हुई। बैलून नहीं दे रहा था, वो बोट दे रहा था। बच्चा अपने बोट के लिए हाथ अंदर करता है ना, अंदर हाथ ले गया। हाँ, हाथ को पूरा खा गया बच्चा, ऐसे जमीन में चल गया। अभी अम्मी मामी को बुला रहे हैं, मामी उसकी अम्मी को, मम्मी को बुला रहे हैं। उसकी अम्मी को आवाज आई, उसको दोनों पे हाथ, दोनों पैसों पकड़ के ले गया अंदर। सो खतरनाक मूवी है, सो डेंजरस। वो गले के अंदर ले गया। तो इससे आपको क्या समरी मिली? वो खत्म हो गई। इससे आपको क्या समरी मिली? क्या अब आपने बारिश में अकेले जाना नहीं होता, अकेले जाना नहीं है, और आपने रात को भी अकेले जाना, अकेले नहीं जाना, आपने कहीं भी बारिश में भी होते हैं। हाँ, और आपने अकेले भी अकेले नहीं जाना। देखो पेनीवाइज, फिर इस पेनीवाइज जैसे बंदे आपके पास आ जाएंगे, आपके हाथ खा जाएंगे, फिर आपको अंदर खा जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? खैर, बाय द वे टॉपिक पे आते हैं। हमने हादी ने जो है ये बनाया है, और इसको बनाने के लिए हादी ने पूरा के पूरा एक घंटा लिया है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये हादी ने हम में से किसी की हेल्प के बगैर बनाया है, ठीक है? हमने इसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं की। इसने एक्चुअली पापा के रूम में गया ये, ठीक है? अबू के रूम में गया, अबू के रूम में इसने ये पेंटिंग्स वगैरह उठाई, दरवाज़ा अपने पीछे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है ये पेंटिंग बनाने लग गया, और हमें नहीं मालूम था कि ये क्या कर रहा है। और उसके बाद शीशे में लिखा था, बस सुनो। सो दवाई ने मुझे पेनीवाइज की वीडियो दिखाई। एक आंटी है। अच्छा, आप एंड में नसीहत करो कि बच्चों को बोलो कि आपने बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाएगा, सही से बोलो, बाहर नहीं जाएगा कोई अकेले। और अब सिर्फ अपनी अम्मी के साथ जाओ, अब्बू के साथ जाओ। हाँ, और अकेले नहीं जाओ, भाई के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ। सही, बात सुनो, और अपना ख्याल रखो, बात सुनो, ठीक है? बाय बाय करो इसको, बात सुनो। आप बाय बाय तो करो, पहले बात को सुनो। सीए एक एक आंटी है, सीए वो एक पेनीवाइज बना रही है लड़के को। सीए उसको व्हाइट कलर किया, सीए लड़के ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, अच्छा व्हाइट कलर किया, और पेनीवाइज कैसे जीते ब्राउन कलर के करी है बाल बनाए, सीए और डांस ग्रीन ग्रीन। सही, चलो ठीक है, बाय बाय करते हैं हम लोग, येलो ऐसे करें। ओहो, चलो ठीक है, बाय बाय करते हैं हम लोग। आप बाय बाय करें, और इस पेंटिंग के बारे में क्या बोलेंगे आप? चले, अब हादी इस पेंटिंग्स को रखेगा, और हम इस पेंटिंग्स को अपने पास फॉर एवर रखेंगे, ठीक है? बाय।